हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे कोर्स पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स में। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम पाइथन स्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हैं, उसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और कौन से वेज से हम उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं हमेशा की तरह अपना आइडियली ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा पाइथन का आइडियली ओपन हो चुका है। तो चलिए इस कोर्स का पहला स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो आपको यहाँ पर फाइल मेन्यू दिख रहा होगा जो कि मेन्यू बार में अवेलेबल है, तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ और आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा न्यू फाइल का, तो हम न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमको एक न्यू फाइल क्रिएट करके मिल गई है। तो अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पर लिखा है अनटाइटल्ड, इसका मतलब है कि हमारा फाइल सेव नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले हम इसको पहले सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा फाइल में और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा सेव नाम का और हम सेव पर क्लिक कर लेंगे। तो इसके लिए भी शॉर्टकट है, आप कंट्रोल प्लस एस दबा के भी सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें चूज करना है कि हम कौन सी डायरेक्टरी में हमारा फाइल सेव करेंगे। तो मैं मेरी फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करना चाहूंगा, तो मैं डेस्कटॉप पे सेव करूंगा। और यहाँ पर हमें डालना है हमारी फाइल का नाम, जो कि मैं रखूंगा मेन। और आपको यहाँ एक्सटेंशन डालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेव कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने बाय डिफॉल्ट लिया है .py और हमें .py मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम सिंपली सेव पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी फाइल का नाम अनटाइटल्ड से हटकर main.py हो चुका है। तो मुझे क्या करना है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो 3 वैल्यूज यूजर से इनपुट ले और मुझे एक आउटपुट दे जो कि होगा मैक्सिमम वैल्यू इनो वैल्यूज में से। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ a इक्वल्स टू इनपुट। तो अगर आपको याद होगा कि हम यूजर इनपुट वैल्यूज इनपुट फंक्शन की मदद से लेते हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने प्रिंट और इनपुट फंक्शन समझाया था, तो आपको ऊपर आई बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर, तो ऐसे ही मैं बाकी दोनों नंबर के लिए लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे वेरिएबल का नाम बी सी, और यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो इसकी मदद से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। और अगर आपको याद होगा तो ये इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यूज इनपुट लेता है। तो अगर हमें इंटीजर वैल्यूज लेनी है तो हमें इसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा, और टाइपकास्ट करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे फ्लोट जो कि स्ट्रिंग टू फ्लोट कन्वर्ट करेगा। और यही सेम हम सभी के लिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीनों भी वेरिएबल्स के लिए टाइप कास्टिंग कर ली है। अभी जो भी हम यूजर से इनपुट लेंगे वो फ्लोटिंग वैल्यूज में आएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमें फाइल का नाम के यहाँ पर एक एस्ट्रिक मार्क दिख रहा होगा, तो उसका मतलब है कि हमारा फाइल सेव नहीं है, तो इसलिए हमें फाइल सेव कर लेना है। तो यहाँ पर मैं फाइल पे क्लिक करके अपना फाइल सेव कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये एस्ट्रिक मार्क हट गया है, तो इसका मतलब है कि हमारा फाइल सेव हो चुका है। तो यहाँ पर हम हमारा जो रिजल्ट है वो प्रिंट करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट, इसके अंदर मैं लिखता हूँ मैक्स नंबर इज, और यहाँ पर मैं कॉमा देके लिख लेता हूँ मैक्स फंक्शन जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन है, और यहाँ पर मैं वेरिएबल्स पास कर लेता हूँ ए कॉमा बी कॉमा सी। तो यहाँ पर हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया है जो कि हमें प्रिंट करके देगा कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है ए बी या सी में से। और अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैक्स फंक्शन कितने भी आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है और उन आर्ग्यूमेंट्स में से आपको एक मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है। और अगर आपको मैक्स नहीं पता है तो मैंने पाइथन बिल्ट इन फंक्शन की वीडियो में मैक्स फंक्शन को एकदम डिटेल में समझाया है, तो आपको ऊपर आई बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो हम इसे भी सेव कर लेते हैं। तो अब हमने हमारा कोड लिख लिया है, तो अब बारी आती है इसको रन करने के लिए। तो अगर आप देखोगे मेन्यू बार में तो एक रन नाम का मेन्यू है, हम उस पर क्लिक करेंगे और आपको और भी ऑप्शन दिख रहे होंगे इधर पर, हमें इसमें से सिलेक्ट करना है रन मॉड्यूल। और रन मॉड्यूल के लिए भी आपको एक शॉर्टकट की दी गई है F5 पर, इस वीडियो के लिए मैं शॉर्टकट की प्रेस ना करते हुए रन मॉड्यूल पे क्लिक करूंगा। तो अगर हम रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर हमारे पाइथन शेल में आउटपुट दिख रहा होगा, और जो कि मुझे पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। तो चलिए मैं अपने तीनों नंबर्स फटाफट दे देता हूँ 10 20 30।
तो आप देख सकते हो उसने मुझे मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर दिए जो कि है 30। और आप देख सकते हो कि हमने जैसा स्पेसिफाई किया था प्रिंट फंक्शन के अंदर मैक्स नंबर इज कोलन देके फिर रिजल्ट, बिल्कुल वैसे ही प्रिंट हुआ है। तो चलिए एक और बार इसको रन करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर आ गए हमारे स्क्रिप्ट फाइल में और मैं यहाँ पर वापस रन करूंगा, और जैसे ही मैं रन करूंगा आप देख सकते हैं वापस आउटपुट स्क्रीन पर आ गया है। और यहाँ पर मैं इस बार दूसरी वैल्यू दूंगा 49, 54, 34। तो आप देख सकते हो इन वैल्यूज में से भी इसने मुझे मैक्सिमम वैल्यू दे दी है जो कि है 54.0। तो हमने देखा कि हम कैसे पाइथन स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं पाइथन IDLE की मदद से। तो यहाँ पर मैं सभी फाइल्स को मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो अगर आपको याद होगा तो हमने हमारी पाइथन की स्क्रिप्ट फाइल डेस्कटॉप पे सेव की थी जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होंगी main.py। तो सेकेंड तरीका ये है कि हमें पाइथन की फाइल पर डबल क्लिक करना है। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा तो हमारी फाइल ये एक टर्मिनल में रन करके दे देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुझे पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैं फटाफट तीनों नंबर्स एंटर कर देता हूँ 10, 20, 30। तो आप देख सकते हो कि इसने मेरी फाइल एकदम से क्लोज कर दी। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम हमारी पाइथन की फाइल ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके मेरी फाइल ओपन कर लेता हूँ। तो बस हमें यहाँ पर लिखना है इनपुट प्रेस एनी की। आपको याद होगा कि इनपुट फंक्शन को एक वैल्यू रिक्वायर्ड होती है, तो वो जब तक हम वैल्यू एंटर नहीं करेंगे वो हमारा टर्मिनल क्लोज नहीं करेगा। तो यही है सॉल्यूशन वो प्रॉब्लम का। तो वापस हम हमारी स्क्रिप्ट फाइल को रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं तीनों वैल्यूज फटाफट एंटर कर लेता हूँ 10, 20, 30। तो आप देख सकते हैं इसने मुझे रिजल्ट दे दिया जो कि है 30.0। एंड इस बार ये क्लोज नहीं हुआ है क्योंकि हमने हमारी स्क्रिप्ट फाइल में इनपुट फंक्शन का यूज किया है। तो अगर हमें इसे क्लोज करना है तो हमें कोई भी एक की एंटर करनी पड़ेगी और बस एंटर दबाए कि ये क्लोज हो जाएगा। तो हमने हमारा सेकेंड तरीका भी देख लिया है जिसकी मदद से हम हमारी पाइथन फाइल को रन कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने हमारी फाइल को कंपाइल नहीं किया तो ये डायरेक्टली रन कैसे हो सकती है। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने मेरी पाइथन इंट्रोडक्शन वीडियो में दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो पहले हम देख लेते हैं कि दूसरे लैंग्वेजेस में क्या होता था, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, और फिर हम जाते हैं कि पाइथन में हम डायरेक्टली कैसे रन कर सकते हैं। तो दूसरे लैंग्वेजेस में सोर्स कोड कंपाइलर कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में जो कि एक रनेबल कोड होता है मशीन्स के लिए। और अगर हम पाइथन का देखें तो पाइथन का सोर्स कोड इंटरप्रेटर ही कंपाइल पहले करता है, फिर उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और फिर वर्चुअल मशीन उसे रनेबल कोड में कन्वर्ट करता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे तरीके पे जिसकी मदद से हम हमारा पाइथन का स्क्रिप्ट रन करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। तो तीसरे तरीके में हम पाइथन के कमांड प्रॉम्प्ट से हमारा पाइथन का फाइल रन करने वाले हैं। तो मैं अपना पाइथन का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया है। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि पाइथन कमांड रन कर रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाइथन। तो अगर आपको ये दिख रहा हो तो इसका मतलब कि हमारा पाइथन रन कर रहा है। तो मैं इसको क्विट कर लेता हूँ पहले। तो हम इसको क्विट करेंगे क्विट फंक्शन की मदद से। तो इसे रन करने से पहले आपको चेक करना होगा कि हम अभी वो डायरेक्टरी में है क्या जो डायरेक्टरी में हमारा फाइल सेव है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ main.py तो आप देख सकते हो ये मुझे बोल रहा है कि main.py इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। इसका मतलब है कि ये डायरेक्टरी में main.py है ही नहीं। तो पहले हमें वो डायरेक्टरी का पाथ लेके आना होगा। तो मैं यहाँ पर फाइल पे राइट क्लिक करता हूँ। तो प्रॉपर्टीज पे जब हम जाएंगे तो आपको यहाँ पर पाथ दिख रहा होगा, तो मैं इसे सीधा सीधा कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं वापस जाऊंगा मेरे कमांड प्रॉम्प्ट पे और यहाँ पर मैं लिखूंगा cd, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे हमारा कॉपी किया हुआ पाथ। तो आप देख सकते हो अभी हम आ गए डेस्कटॉप पर जिधर हमारा फाइल सेव है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पाइथन main.py। तो आप देख सकते हो इसने हमारा फाइल रन कर दिया है और हमें इधर आउटपुट दिख रहा है। और यहाँ पर ये मुझे पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, तो चलिए मैं तीनों नंबर फटाफट एंटर कर लेता हूँ 10, 20, 30। और आप देख सकते हो इसने हमें रिजल्ट दे दिया है 30।
30.0 जो कि एक मैक्सिमम नंबर है तीनों नंबर में से। और यहाँ पर हमने हमारा तीसरा तरीका देख लिया है जिसकी मदद से हम हमारी पाइथन स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फोर्थ वे क्या है जिसकी मदद से हम हमारी पाइथन की स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। तो जो भी पाथ हमने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर मैं एक बैक स्लैश देता हूँ और इधर लिखता हूँ main.py जो कि हमारा फाइल का नाम है। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा आप देख सकते हो इसने हमारी फाइल को रन कर दिया है। तो इस टाइम भी मैं वैल्यूज एंटर कर देता हूँ 10, 20, 30। तो आप देख सकते हो इसने भी मुझे रिजल्ट दे दिया है। तो ये था फोर्थ वे जिसकी मदद से आप अपनी पाइथन स्क्रिप्ट को रन कर सकते हो। तो अब हम देखने वाले हैं हमारा फिफ्थ वे जो कि लास्ट वे है जिसकी मदद से हम पाइथन स्क्रिप्ट को रन करने वाले हैं। तो चलिए वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर मेरा CMD क्लोज कर लूंगा। तो यहाँ पर मैं अपनी शिफ्ट की को प्रेस करके राइट क्लिक पे जैसे ही क्लिक करूंगा आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा ओपन पावर शेल विंडो हियर। और इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये पावर शेल को ओपन कर देगा जिसका पाथ हमारे डेस्कटॉप का पाथ होगा। तो यहाँ पर हम जैसे ही लिखेंगे पाइथन main.py और जैसे ही हम एंटर करेंगे आप देख सकते हो इसने हमारी स्क्रिप्ट फाइल रन कर दिए है। तो मैं इधर भी अपनी वैल्यूज एंटर कर लेता हूँ और आप देख सकते हो इस मेथड से भी हम हमारा पाइथन की स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको 5 वेज बताई जिसकी मदद से आप अपनी पाइथन स्क्रिप्ट फाइल को रन कर सकते हो। एंड हमने देखा कि हम पाइथन स्क्रिप्ट फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बस गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा उसे भी प्रेस करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।